कहानी की शुरुआत होती है हेल्गा नाम की एक बूढ़ी औरत से, जिसे भूलने की बीमारी थी। एक दिन उसे अपने कमरे के एसी वेंट से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट की टीम को फोन करके बुलाया। जल्द ही फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और उसने देखा कि वेंट में से अजीब सा पानी बह रहा था। खैर, फिर फ्रैंक हेल्गा से मिला तो उसने कहा कि उसके कुछ साथी थोड़ी देर पहले यहां जांच करने आए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मगर हेल्गा को अपनी बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं था। और फिर फ्रैंक घर में कीड़े मकोड़ों की जांच करने लगा, लेकिन तभी उसे वेंट से खून बहता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां खून से सनी लाश पड़ी थी जो उसी की टीम के एक साथी की थी। फ्रैंक ने भागने की कोशिश की, पर अचानक किसी ने उसे भी वेंट में खींच लिया। ये देखकर हेल्गा काफी डर गई, पर फिर अपनी बीमारी की वजह से कुछ ही पलों में दोबारा सब कुछ भूल गई। और बाद में उसे फिर से वेंट में से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। फिर हम देखते हैं कि आज से ठीक 4 दिन पहले आसमान से एक आग का गोला सीधा इस बिल्डिंग पर आ गिरा था, जिसने एक मकड़ी को जन्म दिया। ये बिल्डिंग गंटर नाम की एक औरत की थी, जो असल में हेल्गा की बहन थी। थोड़ी देर बाद हेल्गा की पोती शार्लेट वेंट से होते हुए गंटर के कमरे में आ पहुंची। असल में वो गंटर की गुड्डियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी, पर तभी उसकी नजर उस मकड़ी पर पड़ी और वो उसे एक डिब्बी में बंद करके अपने साथ ले आई। उसने अपने कमरे में जाकर मकड़ी को एक कांच के डब्बे में बंद कर दिया, पर तभी उसका सौतेला बाप ईथन वहां आ गया, क्योंकि गंटर ने उसे शार्लेट की शिकायत की थी। उसने शार्लेट को समझाया कि किसी कमरे में चोरी छुपे घुसना अच्छी बात नहीं होती, मगर शार्लेट ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि वो ईथन को अपना बाप नहीं समझती थी। बाद में हम शार्लेट की माँ हैदर को देखते हैं, जो अपने छोटे से बच्चे लियम को संभाल रही थी। हैदर ने शार्लेट को लियम को संभालने की जिम्मेदारी दी और खुद काम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शार्लेट को एक कॉकरोच दिखा, तो उसने कॉकरोच को पकड़कर मकड़ी को खाने के लिए दे दिया, और वो मकड़ी एक ही झटके में इतना बड़ा कॉकरोच निगल गई। तब शार्लेट ने खुश होकर उसका नाम स्टिंग रखा। खैर, रात को ईथन शार्लेट के कमरे में आया तो उसने स्टिंग को डब्बे में देखा। उसने आज तक ऐसी अजीबोगरीब मकड़ी नहीं देखी थी। तभी शार्लेट ने वहां आकर ईथन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, क्योंकि असल में उसे स्टिंग से लगाव हो गया था। खैर, ईथन ने उसे बिस्तर में आराम से सुलाते हुए कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, मगर शार्लेट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शार्लेट के सोने के बाद स्टिंग अपने आप डब्बे से निकल गया और घूमते घूमते गंटर के कमरे में आ पहुंचा। वहां उसने गंटर के तोते को बुरी तरह डरा दिया। फिर अगली सुबह शार्लेट का परिवार अपने कामों में लगा था कि अचानक उन्हें गंटर के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वो दौड़कर गंटर के पास गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसके तोते को बुरी तरह मार डाला था। सबको लगा कि शायद ये किसी चूहे का काम होगा, पर बाद में जब फ्रैंक ने आकर उसकी जांच की तो उसने कहा कि कोई चूहा तोते को ऐसे भयानक तरीके से नहीं मार सकता। खैर, फिर उसने वेंट में कीड़े मारने की दवाई छिड़क दी ताकि जो भी जानवर था वो मर जाए। उधर शार्लेट अपने कमरे में स्टिंग के साथ बैठी थी। असल में स्टिंग तोते को मारकर चुपचाप अपने डिब्बे में वापस आ गया था। अचानक फोन से बिल्ली की आवाज आई तो स्टिंग ने भी ठीक वैसी ही आवाज निकाली, और ये देखकर शार्लेट के होश ही उड़ गए। फिर उसने कई कॉकरोचेस इकट्ठा करके स्टिंग को खिलाए। तभी वहां कपड़ों को कीड़ों से बचाने वाली गोली यानी मौत बॉल आ गिरी, तो स्टिंग उसे देखकर बुरी तरह डरने लगा, जिससे शार्लेट को समझ आ गया कि स्टिंग मौत बॉल्स से डरता है। जल्द ही फ्रैंक कमरे में कीड़े मारने वाली दवाई छिड़कने आ पहुंचा, मगर शार्लेट ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्टिंग की हिफाजत करना चाहती थी। फ्रैंक ने जब स्टिंग को देखा तो उसने कहा कि ऐसे कीड़े को साथ रखना खतरे से खाली नहीं है, मगर शार्लेट उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर रात को स्टिंग एक बार फिर डब्बे से निकलकर वेंट से होता हुआ मारिया के घर तक आ पहुंचा। उसे देखकर मारिया का कुत्ता बेहद डर गया, और फिर स्टिंग ने अचानक मारिया के चेहरे पर ही काट लिया। मारिया जोर से नीचे गिर गई, और जब उसने उठकर अपना चेहरा दोबारा देखा तो वो एक बार फिर से गिर गई, क्योंकि असल में वो पैरालाइज हो चुकी थी। अब स्टिंग धीरे धीरे उसके मुंह में घुस गया और आखिरकार उसका पेट चीरता हुआ बाहर आ गया, जिससे मारिया की मौके पर ही मौत हो गई। खैर, फिर अगले दिन शार्लेट बिल्डिंग में रहने वाले अपने दोस्त एरिक से मिलने गई। उसे अपने कमरे में अलग अलग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स करने का काफी शौक था। शार्लेट ने उसे अपनी मकड़ी दिखाकर कहा कि ये आवाजें सुनकर उसकी नकल कर सकती है। ये देखकर एरिक को उसमें खूब दिलचस्पी हुई, और उसने कहा कि वो इस कमरे में स्टिंग को बड़ा करने के लिए उसका एक टैंक बनाएगा। शार्लेट भी राजी हो गई और स्टिंग को एरिक के हवाले करके आ गई। उधर मारिया का डरा हुआ कुत्ता जैसे तैसे वेंट के जरिए ईथन तक पहुंचा। ईथन उसे मारिया के घर लौटाने आया, पर जैसे ही वो घर में घुसा तो मारिया की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को खबर करके मामले की जांच करने को कहा। इधर बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले एक तोते का कत्ल हुआ और अब मारिया का।
खैर पुलिस के जाने के बाद एरिक ने ईथन को अपने कमरे में बुलाया और उसे बताया कि स्टिंग बेहद खतरनाक है और उसे यहाँ पर रखना सबके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। एरिक को लगता था कि बिल्डिंग में हुए कत्ल के पीछे स्टिंग ही है। इतनी बड़ी मकड़ी देखकर ईथन तो घबरा ही गया और उसने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को भेजने की जिम्मेदारी एरिक को दे दी। फिर बाद में जब शार्लेट को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो ये मानने को राजी ही नहीं थी कि उसका प्यारा स्टिंग लोगों की जान ले सकता है। शार्लेट ने गुस्से में ईथन से कह दिया कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तो बनने की कोशिश भी ना ही करो तो अच्छा है। फिर उसने कहा कि काश वो अपने असली पिता के साथ थाईलैंड में रह पाती। इस पर ईथन भी कुछ पलों के लिए अपना आपा खो बैठा और उसने शार्लेट को सच बता दिया कि उसका असली बाप इसी शहर में रहता है मगर अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर शार्लेट का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इस पर हैदर भी ईथन से गुस्सा हो गई क्योंकि उसने सच बताकर शार्लेट का दिल तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरिक ने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को सौंपने की बजाय उसके लिए एक बड़ा सा टैंक बना दिया था ताकि वो उसमें तेजी से बड़ा हो सके। वो इस मकड़ी की शक्तियां देखना चाहता था ताकि बाद में वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आखिरकार वो इतना बड़ा हो गया कि वो उस टैंक में भी पूरा नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गंटर अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी कि अचानक उसे वेंट से मियाऊ की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और सीधा वेंट में घुस गई। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और स्टिंग ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर ईथन को नौकरी से निकाल दिया गया था इसलिए वो इतना परेशान हो गया कि वो गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगा। हैदर ने उसे रोकने की कोशिश की तो जल्द ही उन दोनों में बहस छिड़ गई। लड़ाई का माहौल देखकर शार्लेट ने अपने छोटे भाई लियम को उठाया और अपने कमरे में आ गई। वहाँ वो हेडफोन्स लगाकर आराम से वीडियोस देखने लगी। उधर ईथन और हैदर की बहसबाजी चल ही रही थी कि अचानक स्टिंग ने वहाँ आकर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। फिर वो उन दोनों को खींच कर वेंट में ले गया और इधर शार्लेट को कानो कान खबर भी नहीं हुई। बाद में उसने मारिया के कुत्ते को जोर जोर से भौंकते हुए सुना तो वो उसे देखने गई। तभी अचानक स्टिंग आया और वो कुत्ते को भी पकड़कर वेंट में ले गया। फिर शार्लेट ने देखा कि घर में खून बिखरा हुआ था और ईथन और हैदर दोनों गायब थे। वो काफी घबरा गई और उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे स्टिंग का ही हाथ है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, स्टिंग वहां आकर लियम को भी उठा ले गया। ये देखकर शार्लेट बुरी तरह रोने लगी और इस सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। तभी अचानक उसे याद आया कि स्टिंग मॉथबॉल्स से डरता है। फिर उसने तुरंत मॉथबॉल्स का पाउडर बनाकर उसे पानी में मिलाया और फिर इस पानी को पिचकारी में भरकर स्टिंग को ढूंढने निकल पड़ी। बाद में जब वो एरिक के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एरिक छत पर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था। फिर वो अपनी दादी हेल्गा को देखने गई तो वो एकदम ठीक ठाक थी। असल में हेल्गा हमेशा अपनी जेब में मॉथबॉल्स रखती थी जिस वजह से स्टिंग ने कभी उस पर हमला नहीं किया। फिर शार्लेट ने हेल्गा को एनिमल डिपार्टमेंट का नंबर दिया और उन्हें फोन करके यहाँ बुलाने को कहा। इसके बाद उसने मॉथबॉल्स के पानी की कई बॉटल्स भर ली और अपने शरीर पर भी ये पानी छिड़क लिया। इसके बाद वो खुद वेंट में घुस गई जहाँ उसे ईथन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ईथन भी मकड़ी के जालों में बुरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए उसने जालों पर मॉथबॉल्स का पानी छिड़क कर उसे आजाद किया। फिर जैसे ही वो भागने लगे तो अचानक वेंट टूट गया और वो बिल्डिंग की बेसमेंट में आ गिरे। तभी स्टिंग वहां भी पहुंच गया और अब वो शार्लेट पर हमला करने ही वाला था कि तभी ईथन ने तुरंत उस पर मॉथबॉल्स का पानी फेंक कर उसे भगा दिया। लेकिन फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो बेसमेंट में फंस चुके हैं क्योंकि उनके पास दरवाजे की चाबी नहीं थी। शार्लेट को बहुत पछतावा हो रहा था और उसने कहा कि ये सब उसकी गलती है, पर फिर ईथन ने उसे हौसला देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर हेल्गा को फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी तो उसने एनिमल डिपार्टमेंट को फोन करके फ्रैंक को बुलाया। फिर जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, फ्रैंक वहां की जांच करने आया मगर अचानक उसे स्टिंग ने वेंट में ही खींच लिया। आखिरकार फ्रैंक भी बेसमेंट में आ गिरा जहां पर ईथन और शार्लेट मौजूद थे। फ्रैंक घबरा कर दरवाजा पीटने लगा मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब उसने इस सब का इल्जाम शार्लेट पर लगाया और ईथन पर हमला कर दिया। लेकिन फिर शार्लेट ने कहा कि वो मॉथबॉल्स के पानी की मदद से इस मुसीबत से बच सकते हैं। कुछ पलों बाद स्टिंग फिर से वहां आ गया तो फ्रैंक ने गुस्से में अपनी नेल गन से स्टिंग पर हमला कर दिया। इससे स्टिंग को चोट तो लगी मगर वहां मौजूद पानी की पाइप्स भी फट गई जिससे उनके शरीर पर लगा मॉथबॉल का पानी बह गया। मौके का फायदा उठाकर स्टिंग फिर से अंदर आया और इस बार उसने फ्रैंक को बेरहमी से मार डाला। तब शार्लेट और ईथन तुरंत कूड़ेदान में छुप गए जहां उन्होंने देखा कि हैदर और लियम भी मकड़ी के जालों में फंसे हुए थे। आखिरकार उन्होंने बचे हुए मॉथबॉल्स के पानी से उन्हें आजाद किया और फिर उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया।
तब शार्लेट को एहसास हुआ कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि स्टिंग फिर से वापस लौट आया। तब ईथन ने स्टिंग को कूड़ेदान में बंद करके कचरे को मसलने वाली मशीन से उसे मारने का फैसला किया, पर बार बार बटन दबाने के बाद भी मशीन स्टिंग को मसल नहीं पाई। तब ईथन ने अपनी जान पर खेल कर प्लग को दोबारा से लगाया, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका भी लगा। सही मौके पर शार्लेट ने बटन दबा दिया और मशीन ने जोरदार वजन से स्टिंग को मसल कर रख दिया। आखिरकार अब वो सब सुरक्षित थे और शार्लेट दौड़ कर ईथन के पास गई और कहा कि पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अंत में उन सब ने एक दूसरे को गले लगा लिया, पर फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट के एक दूसरे कोने में मकड़ी के सैकड़ों अंडे टूटने के लिए तैयार थे। अगर आपके ऊपर ऐसी मकड़ी हमला कर दे तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना।